जाएगा। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से मनाएं और सेफ्टी से मनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा प्रिंटेड केक, कैसा बनाना है उसके ऊपर प्रिंट कैसा लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी केक बना के रख चुकी हूँ और केक कैसा बनाना है तो आपको मैं ये बताई हूँ बहुत सारे वीडियो में, और क्रीम भी कैसा लगाना है। तो यहाँ पर हैप्पी दिवाली का मैं जो शुगर का वो बना के लेके आ चुकी हूँ। यहाँ पर फोकस करके बता देती हूँ आपको। तो इसको कटिंग करके ऊपर लगाने वाली हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो इसको उसके साइज से मैं कटिंग कर लेती हूँ। ध्यान रहे आपको ये प्लास्टिक पीछे साइड रहता है वो पहले नहीं निकालना है, पहला उसका शेप कटिंग करके उसके बाद में निकाल के उसके ऊपर चिपकाना है, वरना प्लास्टिक निकाल के कटिंग करेंगे तो ये सारा टूट जाएगा। इसके लिए पहला प्लास्टिक मत निकालें। तो यहाँ पर देख लेती हूँ मैं साइज, उसके बाद में और कटिंग करूँगी। तो और थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर इसके परफेक्ट कटिंग कर चुकी हूँ मैं, अब इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर निकाल चुकी हूँ मैं, इस पर लगा लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस पर आप वनीला जेल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा सा चॉकलेट क्रीम ऐड कर लेती हूँ। चॉकलेट क्रीम इसको यहाँ पर मेल्ट करके मैं इसमें कलर मिक्स कर रही हूँ। चलिए छोटे छोटे से इसमें स्टार बना लेती हूँ मैं। यहाँ पर व्हिप क्रीम में मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स करी हूँ। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। तो नीचे साइड में भी मैं स्टार बना लेती हूँ छोटे छोटे से। तो देख लिया आपने यहाँ कितना अच्छा बना है। और ये प्रिंट आपको केक डेकोर शॉप में ही मिलेंगे, वहाँ पर जाके आप पहला जो फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे वो बना के दे देंगे। तो ज़रूर आप प्रिंटेड केक ज़रूर घर पे बनाएं। तो देखते रहिए देसी जायका, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। शुक्रिया।